समाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत योहन द्वारा रचित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 5 पद संख्या 36 से लेकर। परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरे करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ वे ही मेरे विषय में एक साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी और न उसका रूप ही देखा। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में गर्व नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा। तुम लोग एक समझ कर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरा शिष्या पर कैसे विश्वास करोगे? हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के दोनों पाठ में अनंत जीवन के बारे में हम देखते हैं। रोमियो के नाम पत्र में आज के पहले पाठ में संत पॉल हमें अनंत जीवन अपनाने के लिए कोशिश करने के जरूरत के बारे में बताते हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन अपनाने के लिए हमें हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए तथा अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारे सोच विचारों में किस प्रकार परिवर्तन लाना चाहिए, उसके बारे में वहाँ हम देखते हैं। हम विशेष करके प्रभु ईसा मसीह को अनुकरण करने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के आदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तथा प्रभु के सुसमाचार के साक्षीदार बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु के अनुकरण करने के नाते, प्रभु के साक्षीदार बनने के नाते तथा प्रभु के इच्छे पर चलने के नाते हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाना है वह संत पॉल हमें बताते हैं। प्रभु की कृपा के लिए अपने आप को सुसज्ज बनाना, प्रभु के कृपादानों को
जीवन में ग्रहण करना, और इसलिए संत पॉल हमें बताते हैं कि प्रभु मुझे आपकी कृपा की जरूरत है, प्रभु की कृपा की जरूरत, प्रभु के इच्छा पर चलने की कृपा की जरूरत, प्रभु के आदेशों को जीवन में ग्रहण करने की जरूरत, तदा प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की जरूरत हम सबको है। आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, और उसके एकलौते कारण यह है कि हमें प्रभु की कृपादान, हमें प्रभु की आशीष, हमें प्रभु की कार्यों की जरूरत है। प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमारे कार्यस्थलों में, प्रभु हमारे कार्यों में कार्य रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु चाहते हैं, हमारे प्रभु को अच्छा लगते हैं कि हम प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु बताते हैं कि जो कोई मेरे साथ रहते हैं मैं उनके भी साथ रहूँगा। हमारे प्रभु हमारे साथ रखने वाले प्रभु के, हमारे प्रभु हमारे साथ चलने वाले प्रभु के, हमारे प्रभु हमारे कार्यकलापों में आशीष देने वाले प्रभु के, और इसलिए प्रभु हमें बताते हैं कि मैं द्वार पर खड़े रहकर खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा आवाज़ सुनते हैं और कॉल देते हैं तो मैं अंदर आऊँगा और उनके साथ उपस्थित रहूँगा। हमारे प्रभु हमारे अंदर आने के लिए, हमारे प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे प्रभु हमारे साथ बस्ती करने के लिए, और हमारे प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हर एक वक्त तैयार है। दोस्तों, हमारे जीवन में परिवर्तन अपनाने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा मिलने के लिए, हमारे कार्यकलापों में प्रभु की कृपा अपनाने के लिए, हमारे परिवारों में प्रभु की कृपा महसूस करने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे मनोभावना हमारे सोचों को समझकर प्रभु बताते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। हमें पता है इस पृथ्वी पर हम सब तीर्थ यात्री हैं, आज है कल नहीं है, और इसलिए जब हम इस तीर्थ यात्रा करते हैं, इस तीर्थ यात्रा अच्छे से करने के लिए, इस तीर्थ यात्रा करते वक्त हमारे साथीदारों को प्यार करने के लिए, उनके साथ देते हुए हमारे जीवन आगे चलाने के लिए कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि हमें अनंत जीवन प्रदान करने वाले प्रभु, हमें स्वर्ग ले जाने वाले प्रभु, हमें मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु जरूर हमारे कार्यकलापों के हिसाब से, हमारे सोचों के हिसाब से और हमारी प्रार्थना के हिसाब से हमें हमारे बीच कार्य करते हैं। और आज के सुसमाचार संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 36 से लेकर, वहां हम विशेष रूप से मसीह के विषय में साक्ष्य के रूप में बताते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु बताते हैं कि मैं मेरे विषय में साक्ष्य देता हूं और मेरा साक्ष्य सत्य है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु बताते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, पिता परमेश्वर जो कुछ करने के लिए, जो कुछ सिखाने के लिए, जो कार्य अपनाने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मैं अनंत काल तक वही कार्य करता रहूंगा, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उनके कार्यों को निभाना, जिसने मुझे भेजा है उसके इच्छा
इच्छा पर चलना, जिसने मुझे भेजा है उनके आदेश पर जीवन बिताना मेरा कर्तव्य है। प्रभु आज हमें समझ जाते हैं कि तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। पिता परमेश्वर से आने वाले पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर के इच्छा पर इस पृथ्वी में जन्म लिए एकलौते पुत्र ईसा मसीह किसी का सम्मान नहीं चाहते, किसी के रिकमेंडेशन नहीं चाहते, किसी के आदेश पर नहीं चलते, क्योंकि प्रभु बताते हैं कि जिसने मुझे भेजा है उनके कार्यों को निभाना, उनके आदेशों पर चलना, उसके इच्छा पर जीवन बिताना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, प्रभु आज हमें बताते हैं कि मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु को पता है, प्रभु को मालूम है कि पिता परमेश्वर के इच्छा निभाने के लिए मैं पृथ्वी पर आए है। पिता परमेश्वर जो कार्य मुझे बताया है उसी कार्य निभाना मेरा कर्तव्य है, और इसलिए पिता परमेश्वर के आदेशों को परिपूर्णता की ओर लाने के लिए प्रयत्न करना मेरा कर्तव्य है। हम भी प्रभु को अनुकरण करने के लिए, प्रभु के साथ देने के लिए, प्रभु के आदेशों को जीवन में ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम प्रभु के पीछे जाते हैं, प्रभु को अनुकरण करते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आ जाते हैं, शायद कठिनाइयों पर कठिनाई आ जाते हैं, मुसीबतों पर मुसीबत आ जाते हैं, हमारे घर वाले हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं, हमारे साथीदार हमें छोड़कर जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं, माता पिता हमें त्याग देते हैं, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि प्रभु बताते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वे सब कुछ त्याग दो और मेरा अनुसरण करो। जो कोई प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं, जो कोई प्रभु का अनुकरण करना चाहते हैं, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपने माता पिताओं को त्यागना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों को बाजू में रखना पड़ता है, धन दलौती को नष्ट करना पड़ता है, मुसीबतों को अपनाना पड़ता है, लेकिन अनंत जीवन प्रभु उन्हें वागदान करते हैं। दोस्तों, अनंत जीवन के लिए प्रयत्न करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी में हमारे जीवन नश्वर है, लेकिन स्वर्ग राज्य में हमारे जीवन अनश्वर है, और अनश्वरता के लिए प्रयत्न करना, अनंत जीवन अपनाने के लिए कोशिश करना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, प्रभु के आदेशों को जीवन में रखते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के साथ देते हुए हमारे जीवन आगे चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु हमें आदेश देते हैं कि मुझ पर विश्वास करो। प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, प्रभु के आदेशों पर विश्वास रखने के लिए, प्रभु के वचनों पर विश्वास रखने के लिए, प्रभु के इच्छा पर चलने के लिए, अनंत जीवन अपनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज विशेष रूप से प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीष, प्रभु के अनुग्रह हम पर वर्षाने के लिए हम प्रार्थना करें। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, साथीदारों के लिए, हमारे मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए, हर एक के लिए प्रभु की आशीष अनुग्रह मांगते हुए हमारे जीवन प्रभु के इच्छा पर बिताने के लिए, हमारे जीवन में विश्वास में दृढ़ रखने के लिए तथा प्रभु के इच्छाओं को परिपूर्ति की ओर लाने की कृपा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु मसीह हम सबको आशीष दें। हम कितने लोग हैं जो परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर कर लेना।
थोड़ा नंबर ले सकते हैं क्या, यहाँ से शुरू कर लेना, एक दो। हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु मसीह तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू